नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। ये देखो दोस्तों, स्टीलबर्ट कंपनी ने हमें बंकर रैप का मतलब जिसका मॉडल नंबर है HBS10, ये हेलमेट भेजा है रिव्यूज़ के लिए। तो इस हेलमेट के रिव्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टर माइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो स्टीलबर्ट का ये जो बंकर रैक हेलमेट है, ये फुल साइज हेलमेट नहीं, ये हाफ साइज हेलमेट है। और स्टीलबर्ट ने खास करके इसे रॉयल इनफील्ड और क्रूजर बाइक के राइडर्स के लिए बनाया है। और सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो हाफ साइज हेलमेट है, ये फुल साइज हेलमेट की तरह ज़्यादा सेफ नहीं होते। ये तो आपके हेड के लिए तो सेफ्टी होते, लेकिन आपका फेस वगैरह है उसके लिए ये सेफ्टी नहीं होते। कोई भी ले लीजिए, स्टीलबर्ट का ही नहीं, जो भी हाफ साइज के हेलमेट है वो सभी हेलमेट्स। और ये जो बारिश का जो पानी वगैरह है उससे जो प्रोटेक्शन आपको फुल साइज के हेलमेट जितना देते हैं, उतने हाफ साइज़ का हेलमेट प्रोटेक्शन नहीं देते। और बाकी जो हाईवे पर या फिर आपके सिटी में जो भी पोल्यूशन होता है, धूल मिट्टी वगैरह होती है जो आपके फेस पे आ जाती है, तो फुल साइज़ वाले हेलमेट जितना प्रोटेक्शन आपको दे देते हैं, उतना हाफ साइज़ हेलमेट कभी भी नहीं देते। और रिव्यूज़ के पहले ही मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि ये जो रिव्यूज़ होने वाला है, ये फुल साइज़ के हेलमेट से मैं इसे कंपेयर नहीं करूँगा। जो भी हाफ़ साइज़ के हेलमेट मार्केट में अवेलेबल है उससे इसे कंपेयर करूँगा, और हाफ़ साइज़ के हेलमेट के हिसाब से इसे मैं इसके रिव्यूज़ देने वाला। इस हेलमेट में जो स्टीलबर्ट कंपनी ABS मटेरियल यूज़ किया है, वो काफ़ी अच्छा ABS मटेरियल यूज़ किया है, काफ़ी हार्ड है, ISI मार्क के साथ है। तो आपकी सेफ्टी के लिए आपको ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका वज़न जो है, मतलब वेट जो है, वो सिर्फ 900 ग्राम है। कारण ये बहुत कंफर्टेबल लगता है पहनने के बाद। अंदर का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप चाहिए तो उसे निकाल के वॉश भी कर सकते हो। और नेक के लिए सपोर्ट दिया हुआ है कंपनी ने, ये सपोर्ट आपको नहीं चाहिए तो आप निकाल भी सकते हो। इसके भी सिस्टम इसमें दी हुई है। इसके जो कलर क्वालिटी या फिर ग्राफिक क्वालिटी है वो भी अच्छी है, अलग 8-8 अलग कलर्स में ये अवेलेबल है। नीचे आपको स्टिचेस वाला डिज़ाइन मिलता है, वो आपके बाइक को, आपके हेलमेट को, और आपको एक बहुत अच्छा लुक देता है, क्लासिक लुक देता है। और इधर हवा अंदर जाने के लिए वेंट दिए हुए हैं। तो बाकी तो ये सब ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, कंफर्टेबल है, कलर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसमें दो नेगेटिव पॉइंट मुझे मिले हैं। वो नेगेटिव पॉइंट ऐसे हैं कि जब भी आप ये हेलमेट पहनते हो तो आपके हेड के ऊपर बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है। जब भी आप इसका जो वाइज़र है क्लोज कर देते हो, तो जो कंपनी ने एयर के वेंट्स इधर दिए हुए हैं वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं और अंदर वेंटिलेशन हो नहीं पाता है। इसके कारण आपके हेड के ऊपर पसीना आ जाता है, आपको थोड़ी गर्मी होती है इसमें। और दूसरी जो निगेटिव पॉइंट है, ये इसका बेल्ट है। ये जब बेल्ट आप पहनते हो तो ये हाफ साइज़ होने के कारण ज़्यादा टाइट आपको पहनना पड़ता है, और जो आप पहनते हो तो इधर आपको थोड़ा सा दर्द होता है इसमें, क्योंकि ये आपको टाइट लगाना पड़ता है। अगर लूज़ रखते हो तो ये हाफ साइज़ होने के कारण थोड़ा लूज़ बैठ जाता है आपके हेड में। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट है, बाकी तो अच्छा लगा मुझे। ग्लास की क्वालिटी अच्छी लगी, ग्लास की विजिबिलिटी अच्छी लगी, इस हेलमेट की विजिबिलिटी अच्छी लगी। फुल साइज़ हेलमेट में आपको साइड का व्यू ठीक से दिखता नहीं है, तो इसमें आपको साइड का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, कंफर्टेबल लगता है, लाइट वेट लगता है, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो, किधर भी लग सकते हो। आपके पास एक्टिवा है या फिर स्कूटर कोई भी है तो उसकी डिग्गी में ये इजीली बैठ जाता है। तो ये इसकी अच्छी और बुरी बातें सामने आई है। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 1799, मतलब 1800 रुपये इसकी प्राइस है। तो 1800 रुपये के हिसाब से इसकी क्वालिटी वगैरह तो मिलती है आपको। 1800 रुपये में इस तरह की क्वालिटी, ISI मार्क, वाइज़र की क्वालिटी, कलर की क्वालिटी, ये सब प्राइस तो मुझे इसकी ठीक लगती है। तो दो ही इसमें मुझे नेगेटिव चीज़ें नज़र आई, वो मैंने आपको बता दिए। तो मेरे हिसाब से मैं इसको 10 में से 8 मार्क दूंगा, और कंपनी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये तो ज़रा मुश्किल है एयर वेंट का, लेकिन इस बेल्ट में अगर कुछ कुशन दिया होता कंपनी ने तो बहुत अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ, स्टीलबर्ट से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस बेल्ट में कुछ कुशन टाइप दे दो, ताकि इधर जो दर्द होता है वो कम हो जाए। तो अगर आपको ये हेलमेट परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर जाके आप ये परचेस कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही टिलबर्ट को भी ये हेलमेट भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।